हेलो एवरीवन, सो स्वागत है आपका अड्डा 247 में। मैं वत्सला मिश्रा आपके सामने लेकर आई हूँ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 12th की है। और अगर हम ऑनगोइंग या कॉन्टिन्यूइंग टॉपिक की बात करें तो वो है द सॉलिड स्टेट। तो जब हम टॉपिक्स पढ़ते हैं तो उनके लिए क्वेश्चंस का भी होना बहुत ज़रूरी है। सो हम इस टाइम देख रहे हैं NCERT के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ मैं, और हम देखेंगे अपनी स्क्रीन पे वो क्वेश्चंस। क्वेश्चन प्लीज, थैंक यू। सो एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा और काफ़ी चौड़ा से दिखाई दे रहा होगा, सोच रहे होंगे कि अरे ये कैसे सॉल्व हो जाएगा भाई। बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा अगर आप सोचिए, क्योंकि देखिए आपके पास दी है रेडियस जो कि 125 पिकोमीटर है, तो आपसे लेंथ पूछी जा रही है। और लेंथ अगर ये आपसे पूछ रहे हैं तो फॉर्म्यूला याद होगा, बस उसके हिसाब से लेंथ निकाल लीजिए। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो मैं आपको बताती हूँ बोर्ड पर। सो दिस इज़ पॉसिबल बाय, आपको अगर क्यूबिक क्लोज पैक पूछ रहे हैं तो इट इज़ पॉसिबल फॉर क्यूबिक। कैसे? सिंपल, बोर्ड पर आते हैं हम और a इज इक्वल टू देख लेते हैं 2√2r। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो प्लीज याद कर लीजिए, लेंथ निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब मुझे आप बताइए कि r की वैल्यू क्या दी हुई थी? शायद 125 दी हुई थी, 125 पिकोमीटर है ना। ये तो मैं आपसे पूछ रही थी कि शायद आपको याद हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल। सो 2√2 × 125, आंसर आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा 354 पिकोमीटर, क्योंकि अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। सिंपल था, केवल ये फॉर्मूला याद करना। अगर ये नहीं याद है तो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, कि हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 cm³ ऑफ एल्युमिनियम। अच्छा, आपसे पूछ रहे हैं ये कि 1 cm³ में कितनी सेल्स पॉसिबल हैं। तो हाँ, बहुत ईजीली 1.00 ऊपर रख लो। और ये जो वॉल्यूम, सबसे पहली बात आप क्या करो, चलो और इजी कर देती हूँ। सबसे पहले आप निकाल लो आपका वॉल्यूम। रेडियस दी हुई है, लेंथ आपने निकाल ली, उसका वॉल्यूम निकालना और इजी हो जाता है। सो अगर आप वॉल्यूम निकालते हो कभी भी तो वो होता है आपका ए का क्यूब, और ए निकल के आया था, आंसर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 354। इसी का आपको क्यूब करना है, आंसर निकल के आएगा आपका 4.4 × 10⁻²³ cm³। ओके, ये है आपका आंसर। अब इसके साथ खेल लीजिए। फिर कैसे खेलेंगे? देखिए, मैंने तो पूछ लिया कि भाई कितनी यूनिट सेल्स प्रेजेंट है, बट अब आंसर तो और सॉल्व कर सकते हैं आप, क्योंकि 1 cm³ में ही तो पूछा है ना। तो अभी बेसिकली जो आपके पास दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। अब इसी को 1 को डिवाइड कर दीजिए 4.4 × 10⁻²³। अगर आंसर में −23 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे शायद कुछ गलती हो रही है आपसे, क्योंकि ये निकल के आएगा पूरा 2.27 × 10⁻²² ये होगी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। अभी ये जो आंसर दिखाई दे रहा है ये गलत नहीं है आपका, बट ये इसकी वॉल्यूम है। और अगर हम नेक्स्ट आंसर की बात करें जो कि यूनिट सेल के नंबर है, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि हमें चाहिए था 1 cm³ में वो चीज़। ठीक है, सो पहले इस स्टेप को लाना होगा, और इस स्टेप के लिए आपको वॉल्यूम निकालनी होगी जो कि a का क्यूब करके पता चलेगी। जब आपकी वॉल्यूम आपके पास आ जाएगी तो जस्ट डिवाइड इट, जस्ट डिवाइड दैट 1 cm³ ऑफ एल्युमिनियम बाय 4.4 × 10⁻²³, तब जाके आपकी ये आंसर निकल आएगा। बस सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और इसको रिवाइज करते रहिए ताकि आपको और एक्सपर्टीज मिल सके। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछिए अपने कमेंट सेक्शन पे। थैंक यू।